नमस्कार, मैं हूं धनश्री। केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, जिसके लिए कई तरह के प्रोजेक्ट्स राजधानी भोपाल में लाई जा रही है। नई नहीं, अत्याधुनिक तकनीकों से राजधानी भोपाल में नए ब्रिजों के निर्माण किए जा रहे हैं। वहीं बात करें तो राजधानी भोपाल में मेट्रो ट्रेन का नाम भी जोरों शोरों से चल रहा है, मगर राजधानी भोपाल के पुराने शहर की सड़कें इन दिनों बदहाल पड़ी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत टॉकेज ब्रिज के नाम से कहलाए जाने वाला भोपाल का पहला फ्लाईओवर ब्रिज इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, जिस ओर जिला प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। आए दिन गाड़ियों के एक्सीडेंट, गड्ढों से गाड़ियां गिर जाना, ये सब एक आम सी बात हो गई है, जिसमें लोग खासे चोटिले भी हो जाते हैं। वही बताते चले कि ये मार्ग पुराने भोपाल को भोपाल जंक्शन से भी जोड़ता है। सबसे बड़ी देखने वाली बात तो ये है कि इस मार्ग पर दो विधानसभाओं का संगम होता है, मध्य विधानसभा एवं नरेला विधानसभा। एक विधानसभा के विधायक कांग्रेस के प्रत्याशी है और दूसरी विधानसभा के विधायक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। इन चक्की के दो पार्टों में कहीं ना कहीं ये मार्ग पिसता नजर आ रहा है। शायद जिला प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। इस मार्ग पर जब लोगों से बात की गई तो लोगों का कहना है कि ये सड़क लगभग 10 साल से नहीं बनी है, ना इसमें किसी तरह की मरम्मत कराई गई। नाम बताइए। नाम भाई मोहम्मद शफीक मेरा है। मैं कई साल काफी खुदा पड़ा हुआ है कई सालों से। कहें तो भोपाल का एक ऐसा मार्ग है जहाँ पे दो विधानसभाओं का संगम हो रहा है, मध्य विधानसभा और नरेला विधानसभा। जी हाँ जी जी जी। किस तरह का दिक्कत ये कई सालों से हम लोग चल रहे हैं, रोड वैसे के वैसे ही है और गड्ढे फटने का, एक्सीडेंट भी हो चुके हैं इस पे। बड़े हादसे भी होते हैं? हाँ, बड़े हादसे तो नहीं, मैं छोटे मोटे होते हैं, इतने बड़े भी नहीं हुए हैं, मतलब आदमी जख्मी हो जाता है। हादसा हो सकता है? हाँ, होने की संभावना है, अगर ना हो कभी रोड अगर बनी जैसे। आने वाले नई समय में नहीं बनेगा तो ऐसे ही रहेगा। हादसे हुए हैं बहुत, रोडों पर गड्ढे हैं, लोगों के बड़े बड़े हादसे हुए, हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए, लोगों की गाड़ियाँ स्लिप हो गई। जिला प्रशासन कुछ नहीं करता है? जब कुछ नहीं करता, पुराने भोपाल को जंक्शन से जोड़ता है, कुछ नहीं करता। कुछ नहीं है आज तक, इतने गड्ढे गुड्ढे पड़े हैं, कितनी गाड़ियाँ स्लिप हो रही, बड़ी छोटी, लोगों के पैर फ्रैक्चर हो रहा है, हाथ फ्रैक्चर हो रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। कितना वक्त हो गया इस तरह के? 4 साल होने को आ रही हैं, 4 साल पे ऐसे ही पड़ा है, 4 साल से यही हालत है। वक्त रहते अगर सड़क की मरम्मत ना हुई तो आने वाले दिनों में इस सड़क पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा, क्योंकि सड़क को नजरअंदाज जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। आइए देखें पूरी खबर हमारे संवाददाता आदिल खान के साथ। अपनी बदहाली पर आंसू बहाती राजधानी भोपाल की सड़कें। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद है राजधानी भोपाल के भारत टॉकीज ब्रिज पर। यह यूं कहें कि राजधानी भोपाल का सबसे पहला फ्लाईओवर जो पुराने भोपाल से भोपाल जंक्शन को टच करता है। आप देख सकते हैं साफ तौर से यहाँ पे लोगों का आना जाना लगातार लगा हुआ है, काफ़ी यहाँ से वाहन गुजरते हैं, लगभग दिन भर में 1 लाख के करीब यहाँ से वाहन गुजरते हैं, जिसका आना जाना लगा रहता है। अब हम आपको दिखाते हैं वो हकीकत जो आप देख सकते हैं इस रोड की क्या हालत पड़ी हुई है। यह हालत इस रोड पर यहाँ ही नहीं, आगे भी हम आपको दिखाते हैं जिस तरह से यहाँ पे गड्ढे पड़े हुए हैं, खुदे पड़े हुए हैं, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पे जिला प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। क्या जिला प्रशासन इस वक्त किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? किस तरह लोग यहाँ से गुजरते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। कुछ गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं, इन दचकों को किस तरह वो पार करके निकलती हैं, देखिए आप सामने से गाड़ी आ रही हैं, अपने आप को बचाते हुए ये यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं गड्ढे से, मगर जिला प्रशासन इस ओर रुख ही नहीं कर रहा है। कई बार देखा गया है सोशल मीडिया पर भी इन रोडों को लेकर के कई तरह के मीम्स भी बनाए गए हैं, कई लोगों का तो ये भी कहना रहता है गड्ढे में सड़क या सड़क में गड्ढा। इसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से भी अभी आवाज़ उठाई गई थी। वहीं अगर बात करें तो कांग्रेस के मुनव्वर कोचर द्वारा भी जिनसी के इधर स्थित रोड की जो गड्ढे पड़े होंगे उसको लेकर आवाज़ उठाई गई, उन्होंने भी एक अल्टीमेटम दिया है नगर निगम प्रशासन को, जिला प्रशासन को, अगर 3 दिन में कार्य नहीं किया जाता है, इस रोड का निर्माण नहीं किया जाता है तो निर्वस्त्र होके वो वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। आज शायद इसी तरह के लोगों की ज़रूरत है जो आए यहाँ पर आके जिला प्रशासन को चुनौती दें, ताकि यहाँ के रोडों की मरम्मत की जाए, ताकि जल्द से जल्द इन पर कार्य किया जाए। वहीं आपको एक और चीज़ बताते चलता हूँ मैं, अगर आप मेरे पीछे देखेंगे यहाँ पे नरेला विधानसभा लगती है, और वहीं अगर आप मेरे इस साइड देखते हैं तो यहाँ पे मध्य विधानसभा लगती है।
कहीं ना कहीं अगर कहा जा सकता है दो विधानसभाओं का संगम यहाँ पे हो रहा है, शायद इन चक्की के दो पार्टों के अंदर ये मार्ग पिसता नजर आ रहा है और लोग आए दिन यहाँ पे हादसे का शिकार होते रहते हैं, मगर जिला प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। आइए दिखाते हैं आपको और कुछ दृश्य रोड के, सड़क के। यहाँ से लगातार गाड़ियाँ गुजर रही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रोड किस तरह यहाँ से उधड़ा पड़ा हुआ, पूरा रोड ये खुदा हुआ नजर आ रहा है। आप सामने देख सकते हैं साफ तौर पे गाड़ियाँ आ रही हैं, किस तरह बसते हुए इन गड्ढों से गाड़ियाँ गुजरती हैं। चलिए कुछ लोग भी यहाँ से गुजर रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति रुकता है तो हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या उन लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है यहाँ पे, जिस तरह से ये रोड यहाँ पे खुदे हुए नजर आ रहे हैं। ये आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे अभी एक गाड़ी गुजर रही है गड्ढों के पास से, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ा हादसा हो सकता है, ये बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं इस रोड के गड्ढे। देखने वाली बात ये रहेगी क्या जिला प्रशासन इस ओर भी आएगा या दोनों विधानसभाओं के विधायक इस ओर रुख करेंगे, क्या आपसे समझौते के साथ इस सड़क का निर्माण करवाएंगे या यहाँ पे कहें तो इस सड़क को फिर से रिपेयर करवाएंगे जिससे कि एक बड़ा हादसा होने से टाला जा सके। भोपाल से कैमरा पर्सन जय किशन शाकिया के साथ केकेआर न्यूज़ के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।